What's up everyone, welcome back to our beautiful channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. गाइस लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका शॉर्ट में डिस्कस करते हम लोग पहले, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा तो कंसेप्ट था प्राइस इफेक्ट का, ठीक है। लास्ट क्लास का जो कंसेप्ट है वो था प्राइस इफेक्ट। अच्छा, प्राइस इफेक्ट ऑब्वियसली बात है, देखो अभी तो मेरे को न्यूमेरिकल कराने, पूरा मेरा फोकस न्यूमेरिकल पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी जिंदगी के 5 मिनट ले रहा हूँ कंसेप्ट डिस्कस करने के, जो जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं चीजों को शॉर्ट में, ठीक है। तो कुछ लोग थे नहीं, और जब नहीं थे तो क्या करें, तो डिस्कस करना पड़ता है। देखो बेटा, प्राइस इफेक्ट का बेसिक हमें समझना है कि होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी में किसी भी गुड के प्राइजेस बढ़ते हैं। अभी तक ध्यान देना, कोई बात की चीज नहीं, ठीक है। ऐसा होता है किसी भी कॉमोडिटी के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो प्राइजेस बढ़ने के इंपैक्ट ऑब्वियसली बात है हम कहते हैं कि दो होते हैं। हाँ, ये कंफर्म है, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ रहा है तो एक्स कंफर्म होगा, दिस इज अनएम्बिगियसली बेसिकली फॉल होगा, ठीक है, कम होगा ही होगा डेफिनेटली। बट इसके दो इम्पैक्ट आते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। दो तरह के इफेक्ट आते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट, ठीक है जी। अब इसको इस तरीके से समझना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली रिलेटिव, मतलब एक्चुअली होता यही है, हम यहाँ पे चीप एंड एक्सपेंसिव के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। मान लो जिस कम्युनिटी का प्राइस बढ़ा तो हमें देखना है कि उसका जो रिलेटिव कम्युनिटी है उसमें क्या चेंज आया। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो रिलेटिव कम्युनिटी का प्राइस कम दिख रहा है मुझे। कोक एंड पेप्सी में अगर कोक वालों ने बढ़ाया, कभी सोचे इनके प्राइस सेम क्यों रहते हैं? इसलिए सेम रहते हैं क्योंकि अगर गलती से तो बढ़ाएगा ना, तो ऐसा दुश्मन नहीं है कोई कोक का, अगर कोक वाले ने बढ़ाया है, उनके उनकी डिमांड पे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली पड़ जाएगा, लोग खुद को स्विच करना स्टार्ट कर देंगे एक्सपेंसिव चीप में, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी जब किसी गुड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे रियल इनकम की बात करने लग जाते हैं। रियल इनकम के बेसिस पे अगर हम लोग डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं तो उस समय इनकम अफेक्ट बोलेंगे। अब ऐसा समझना, मान लो कमोडिटी एक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी एक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी वाई के प्राइस कम हो रहे हैं, दैट इज रिलेटिव प्राइस। और अगर रिलेटिव प्राइस उसके कम हो रहा है तो गुड वाई जो होगा वो चीपर हो जाएगा, चीपर, ठीक है। और रैशनल कंज्यूमर का मतलब ही होता है सस्ती चीजें खरीदना। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वी कैन बेसिकली इजिली रिप्लेस कर सके हम इजिली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वो कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी में एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्लॉथ एंड फूड, शायद पढ़ोगे आप लोग क्लॉथ एंड फूड, है ना, दो एक्स और वाई क्लॉथ एंड फूड। तो ये तो बड़ा वाही अच्छा लगेगा कि अगर मतलब फूड महंगा हो गया तो हमने कपड़े खाने शुरू कर दिए, मतलब नॉनसेंस ही बात लगेगी वाली, है ना। तो हमें एग्जाम्पल ही ऐसे उठाने जिनको रिप्लेस करना आसान हो, ठीक है। तो हमें वही कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। तो गुड वाई चीपर हो गया तो डिमांड फॉर गुड वाई हमारी बढ़ गई, एंड क्या होगा, जो डिमांड फॉर गुड एक्स होगा वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात थी भाई हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाली, यहाँ पे ना मैंने एक्सपेंसिव वाली बात कर ली। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर कॉमोडिटी नॉर्मल है, इंफीरियर है, गिफिन है, ठीक है, कॉमोडिटी नॉर्मल है, इंफीरियर है, गिफिन है, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो चीप एक्सपेंसिव वाली बात है ना, ये हर जगह अप्लाई होती है, तो दिस सम इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। बात आती है रियल इनकम की। अब देखो इसको चीप समझना आप लोग, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि जैसे कि मैंने बोला गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया तो हुआ क्या, एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स बढ़ जाएगा,
गिवन दैट अगर मुझे पुरानी वाली क्वांटिटी चाहिए, अगर मुझे पुरानी वाली क्वांटिटी चाहिए तो मेरा उस पर बढ़ जाएगा खर्चा, ठीक है। अच्छा, जब एक्सपेंडिचर उस पर बढ़ जाएगा तो टेक्निकली क्या होगा, मेरी रियल इनकम, मान लो मैं 100 रुपए खर्च करता तो 100 रुपए मेरी इनकम हुआ करती थी। अब हुआ क्या, अब किसी एक गुड़ का प्राइस बढ़ गया तो जितने क्वांटिटी मेरी पहले लेता था उतने क्वांटिटी के लिए मुझे 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मेरी इनकम है 100, खर्चा मेरे 120 का है, तो टेक्निकली मेरी रियल इनकम कम हो गई एट द 20 रुपीज। मतलब खर्चा मेरे 120 होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 120 खर्चा करना ही है, नहीं करूंगा मैं 100 का ही खर्चा, लेकिन लेकिन क्वांटिटी मुझे कितनी मिल रही है, क्वांटिटी मुझे उतनी मिल रही है जो पहले मुझे 80 रुपए में मिला करती थी, ठीक है। तो 20 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो रियल इनकम कम हो गई। और जब रियल इनकम कम हो जाती है तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, रैशनल कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड एक्ट, मतलब डिमांड्स कम करता है दोनों की, ठीक है, ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, कंज्यूम बोथ गुड्स कम, ठीक है, कम कंज्यूम करेगा। अब आप एक चीज देखो, दोनों का रिजल्ट निकाल के देखो और दोनों का रिजल्ट देखो, ठीक है जी, होता हुआ दिख रहा है मुझे। अंजलि बेटा आप शायद क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है अंजलि बेटा, ये क्लास दूसरे स्टूडेंट्स के लिए है, आपकी क्लास हो चुकी है 1:30 बजे, ठीक है, तो आप अटेंड कर लो, बट समझ में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप ये क्लास मत अटेंड करो, चलिए जी बिचारी ये दिखाई दिख गया मुझे, इसमें प्यार से मेरे दिखल में चले जाए, एक्चुअली 1:30 बजे क्लास थी ना इनकी, वो लिंक मैंने सेम रखा हुआ है फिलहाल ऐसी बाय मिस्टेक, अच्छा चलिए बहुत दीजिए चलो गाइस, अच्छा एक बात बताओ, दोनों को कंबाइन कर लो जरा, गुड एक्स कम हो रहा है और गुड एक्स कम हो रहा है, तो डिमांड फॉर गुड एक्स बेसिकली कम होगा अनएम्बिगियसली, ठीक है, गुड यहां पे कम हो रहा है और सॉरी मैंने गलत बोला, ये ना गुड वाई का यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, क्या मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे तो मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है भाई कि मैग्नीट्यूड पे हो रहा है, तो ध्यान रखना गुड वाई के लिए एम्बिगियस आएगा, मतलब कोई पूछेगा व्हाट अबाउट ऑन गुड वाई, भाई एम्बिगियस है, मुझे क्या पता, एक जगह बढ़ रहा है एक जगह कम हो रहा है, ये कंफर्म है कि गुड एक्स कम होगा, इसीलिए मैंने ये बोला था, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को पहले उन्होंने कंफर्म करवाया, लॉ ऑफ डिमांड का कंफर्मेशन पहले यहां से जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जनरल लेवल पे अगर आप मेरे से बात करो डायग्राम की तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, ठीक है, ये मेरी होगी बजट लाइन, या आप इसकी बात मत करो, कंफ्यूजन होगी क्योंकि डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यूज आएंगी, एक होगी एक्स, एक होगी एक्स स्टार और एक होगी एक्स डबल स्टार, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यू जाएंगी, एक होगी एक्स, एक होगी एक्स स्टार, एक होगी एक्स डबल स्टार, ये हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, ये हमारी शिफ्टेड, बेसिकली शिफ्टेड वैल्यू होगी, मतलब जो बजलैन की शिफ्टेड के बाद आई थी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू पे जो एक्स होगा ना, ये वाला जो एक्स होगा, ये वाला एक्स, ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली ओल्ड प्राइसेस एंड ओल्ड इनकम का फंक्शन होगा, ठीक है, और एंडिंग वाला जो होगा ये फंक्शन होगा हमारा बेसिकली डबल स्टार वाला, न्यू प्राइसेस और एंड ओल्ड इनकम का फंक्शन होगा, ठीक है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, अब कंसेप्ट नहीं टेक्निक की जरूरत है, कंसेप्ट तो वही है इजी सा, ये जो पॉइंट होगा इसका गेम होगा, ये दो बातें हो सकती हैं, ये एक तो सिलस्की वाला होता है और एक हिक्स वाला होता है, ठीक है, एक सिलस्की वाला होता है और एक हिक्स वाला होता है, हम फिलहाल सिलस्की पढ़ रहे हैं, हिक्स भी मैं अपना साथ साथ बता दूंगा आपको, ये जो होता है ये आपका डबल, ये सिंगल स्टार होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यू प्राइस एंड न्यू इनकम, न्यू प्राइस एंड न्यू इनकम, ये जो डिफरेंस होता है इससे आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये जो डिफरेंस होता है इसे आप कहते हो इनकम इफेक्ट, ठीक है। रही बात यहाँ पे कि सर व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो एम डैश निकाला जा रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है बेसिकली ओल्ड इनकम प्लस का चेंज इन इनकम, वही जो है एम प्लस का चेंज इन प्राइस इंटू एक्स,
अच्छा एक्स लिखा है, जिसका प्राइस चेंज होगा मैंने वो लिखा है, ठीक है, जिसका प्राइस मैंने लिखा है ये वो, मतलब वो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, बात समझ आएगी मेरी आप लोगों को। तो ये होल स्टोरी है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, अगर ये इनकम का फंक्शन है तो चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल्स की। और अगर यही वैल्यू अगर एक्स एच हो जाए तो जैसे फंक्शन ऑफ पी वन पी टू एंड यू बार ये हो जाएगा ही, ठीक है, पैटर्न हमने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, वो चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी है अभी की क्लास की, ठीक है। अब इसको एक बार अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नोट करने का तो नोट कर सकते हो मर्जी आप, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, हमने कौन सा क्वेश्चन करेगा जी लास्ट क्लास में, हमने वेल बिहेव कर लिया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लिया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तीनों कर लिए, ठीक है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी दोस्तों, आपको भी मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जल्दी से इसको नोट वगैरह करो जो कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रेफरेंस हमने लास्ट क्लास में करे थे, हम शुरुआत उससे करते हैं एलएन सब्स्टिट्यूट से, ठीक है। चलिए जी अब हम करते हैं एलएन सब्स्टिट्यूट से, ठीक है, मैं पढ़ दूं जी यहां से, रख कर दूं मैडम, क्वेश्चन है जी यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, देखो आप कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में, आप नहीं थे, ठीक है आप, सो ये मत सोचने के लास्ट क्लास में नहीं थे तो कंसेप्ट नहीं पता, मैं नहीं, इतनी सी बातें बस, एक फॉर्मूला में शॉर्ट में बताऊंगा आपको, बस वही फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो पैटर्न रिमेन सेम, क्वेश्चन है 2x प्लस का y और x प्लस का 2y, ठीक है, ये है जी आपका क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। एंड यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, और मेरे पास ये पी वन पी टू जो रखा है यहाँ पे 2.3 और इनकम दे रखा है 100, ये सेम मान लेते हैं, और पी वन डैश और पी टू दे रखा है 1.3, ठीक है, पी वन डैश और पी टू दे रखा है 1.3, ठीक है। पैटर्न के नाम पे मुझे पहले सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फॉर्मूला होता है एक्स स्टार विच इज द फंक्शन ऑफ पी वन डैश पी टू और एम डैश माइनस का एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ पी वन पी टू और एम, ठीक है। ध्यान रखना मेरे को ना सिर्फ डिमांड फंक्शन सॉल्व करने आने चाहिए, बस मेरा काम डन हो गया। अगर मुझे डिमांड सॉल्व करनी आती ना जाहिर, फिर मैं कभी नहीं फंसूंगा। अगर मेरे को डिमांड सॉल्विंग नहीं करना आता फिर मैं बहुत बुरा फंसूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये कंफर्म हो जाओ सर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने की इंपॉर्टेंस नहीं है, चलो ठीक है। अब मेरे को जैसे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है, मैं पहले एक्स निकाल लेता हूं। अब कॉपी के पेज पलटना चाहो तो पलट सकते हो, वहां पे 5 केसेस बना करते थे अगर आपको याद हो, ठीक है। मेरे पास मान लो ये प्रेफरेंस है, यूटिलिटी का मिनिमम 2x प्लस का y और x प्लस का 2y, ठीक है, मेरे पास ये प्रेफरेंस दे रखा है, ठीक है जी। अच्छा मेरे पास क्या है, 5 केसेस बनते थे इसके, अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप देखो तो इसके 2 MRS हुआ करते थे, एक MRS होता था हाफ। अच्छा पेपर में इसको नहीं लिखना, या आप अभी इसको नोट मत करना जो मैं भी लिखने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं।
तो मैं इसको रफ करूंगा, इसको नोट मत करना, ठीक है। फिर नंबर लाइन बनती थी 5-4-2 वाली, 5 केसेस होते थे यहाँ यहाँ यहाँ। आज क्या है, आज हमें प्राइस रेशियो पता है, पहले 5 केसेस क्यों बढ़ते थे जी, प्राइस रेशियो नहीं पता थे। आज रेशियो कितना है, 2/3, 2/3 बेसिकली 0.6, 0.6 कहाँ है, 2 है, मेगा से 0.2 यहाँ पर गया है, यानी प्राइस रेशियो जो आ रहा है इसके बीच में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ क्या सोल्यूशन हुआ करता था यहाँ पर, हुआ करता था यहाँ पर, यानी मैंने यहाँ पे कच्चा पे होता था, हाँ डायग्राम, देखो डायग्राम भी नहीं बनेगा, लेकिन सोल्यूशन क्या होता था यहाँ पे, किंक सोल्यूशन होता था, याद आया कुछ। अच्छा आंसर क्या होता था उसका, अगर मैं आपसे पूछू, देखो मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर होता था x = y, दैट इज m/p1+p2। और ये कोई याद करने वाली चीज नहीं हो, क्वेश्चन जैसा होगा वैसा सॉल्व करना है, ठीक है, ये हमारा आंसर होता था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई मेरी आपको। अगेन मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ, अगर ऑब्वियसली बात से प्राइस चेंज होता है तो भाई ये भी वेरी करने लग जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे डिमांड पता होना चाहिए। चलो जी अब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको नोट मत करना, इसको नोट नहीं करना था, यहाँ पे 2 था पॉइंट, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये आ गया जी, यहाँ पे जो प्राइस रेशियो है वो देखा 2/3 0.6, यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा दैट इज ओनली किंक सोल्यूशन आएगा, ठीक है, यानी x = y आएगा, ठीक है। तो दैट इज m/p1+p2। अच्छा m कितना है जी, m है 100, 2+3 दैट इज 100/5 दैट इज 20, ठीक है, ये आ गया जी, मेरे लिए y भी आ गया, गॉट इट। चलो जी ये मेरे पता है क्या आ गया, ये मेरा x आ गया, मुझे तो फंक्शन ऑफ p1 p2 और m, ये फंक्शन ऑफ p1 p2 और m, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करता हूं मैं, एट न्यू प्राइसेस न्यू प्राइस की बात हो रही जी, यहाँ पर प्राइस न्यू आ गए, अब क्या करेंगे, न्यू प्राइस आ गए, अब क्या करेगी, एक बार बताओ, न्यू प्राइस मतलब ये p1-p2 यानी 1/3 है ना, p1-p2 यानी 1/3। अच्छा एक बात बताओ, p1-p2 यानी 1/3 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जी, जो हमने पहले किंग आंसर लिखा था, पहले यहाँ हुआ करता था 0.6, अब ये क्या है 0.3, ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, पहले सोल्यूशन था मेरा यहाँ पे नहीं, जैसे किंक, बट अब जो अब सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, और लेस देन 1 पे मेरा एक्स का आंसर क्या आता था, ओनली एक्स, गॉट इट। क्योंकि क्योंकि प्राइस रेशियो मेरा सबसे छोटे वाले एम से छोटा है, क्योंकि प्राइस रेशियो चेंज हो गया है, तो अब आएगा ओनली एक्स, ओनली एक्स का मतलब जो एक्स स्टार हो जाएगा, जैसे फंक्शन ऑफ न्यू प्राइस एंड न्यू इनकम, तो ओनली एक्स में आएगा m-p1, ये m- निकाल लेता हूं मैं, इट इज m प्लस का चेंज इन m। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है अगर आप पैटर्न जानते हो, अगर आप राइट। तो ये आ गया 100 प्लस चेंज इन प्राइस इंटू एक्स, ठीक है, 100 प्राइस 1 हो रहा है और ये 20 है, तो दैट इज 80, ठीक है, गाइस यहाँ पे आपने लगा दिया 80 और ये 1, दिस इज बेसिकली 80, गॉट इट। अब क्या हो रहा है जी, मतलब आपको तीन वैल्यू निकालने थी, एक x निकालना था, एक आपको x स्टार निकालना था, और एक आपको x डबल स्टार निकालना था, ठीक है, आपने x और x स्टार निकाल, अब निकालना है आपको x डबल स्टार। मुझे एक बार बताओ, अब हमें चाहिए नाउ बेसिकली हमें चाहिए x डबल स्टार, ये जो होता है ये न्यू प्राइस और ओल्ड इनकम का फंक्शन होता है, न्यू प्राइस मतलब 1/3 वाला प्राइस रेशियो,
तो 1/3 वाले प्राइस रेशियो में हमने आंसर क्या लिखा है, ओनली एक्स का, तो ओनली एक्स में बेसिकली ओनली एक्स आ जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन कौन सी आ जाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन ही वाली आ जाएगी, ठीक है, ओनली एक्स का आंसर आएगा, बट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आ जाएगा एम बाय पी वन डैश, एम कितना था जी 100, पी वन कितना जी 1, तो दिस इज 100, ठीक है। नाउ अब देखो एक एक करके, अगर मैंने x स्टार में से x माइनस करा था, x स्टार कितना आया था जी 80 और x कितना आया था जी 20, ये हो गया 60, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्लियर, ये हो गया जी हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिमिलरली x डबल स्टार माइनस का सिंगल स्टार, ये कितना आया था जी, ये था 100 और वो था जी 80, ये हो गया जी 20, दैट इज इनकम इफेक्ट, क्लियर, कुछ भी नहीं है। देखो चीजों को टफ करना चाहो तो कर सकते हो इसका डायग्राम बनाकर, बट मेरा पॉइंट ये कि डायग्राम में एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाना, इनफैक्ट आपके आगे के इकोनॉमी में भी नहीं पूछा जाना, तो लाइफ कॉम्प्लिकेट करनी चाहिए उन जगहों पे जो जरूरी दिखे, ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे टफ टफ, वहां लाइफ टफ हो जाए, बट डायग्राम बनाना उसमें पंगे लेना, आपको खुद को पता है, पहली बात को इसका डायग्राम बड़ा खतरनाक तरीके से बनाता है आप लोगों से, कुछ लक्की वाला तो हिक्स वाला फंसोगे, ठीक है, तो वो नॉनसेंस वाली बात आ जाती है। नाउ अब मुझे क्या सॉल्व करना है, हिक्स, ठीक है, हिक्स सॉल्व करना है, समझ में आ गया भाई रजत भाई, अब मुझे सॉल्व करना है हिक्स। हिक्स के लिए मुझे जो स्टेप फॉलो करना है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्टेप्स आर सेम, मुझे चाहिए हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फॉर्मूला होता है एक्स एच विच इज अ फंक्शन ऑफ न्यू प्राइस एंड कांस्टेंट यूटिलिटी माइनस का एक्स, ये, और हिक्स इनकम इफेक्ट का फॉर्मूला होता है एस डबल स्टार पी वन डैश पी टू और एम माइनस का एक्स एच पी वन डैश पी टू और यू बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स और एक्स डबल स्टार एक ही बार ही निकलेगा, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट अटकेगा कहां पे, एक्स एच में, उसको कहते देखो यहां पे कंसेप्ट क्लियर था है, यहां पर उन्होंने बोला यू बार जी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहां उन्होंने बोला जी यू बार कॉन्स्टेंट है हमारे पास, अब क्या करूं मैं, यू बार कॉन्स्टेंट है तो समझना कंसेप्ट है, मैं x नहीं निकाल रहा, नाउ मुझे पहले जब मेरा x आया था, x मेरा क्या था स्टार्टिंग में ही p1 p2 और m क्या था जी m अपॉन में ये था, अच्छा यही y के बराबर था, सॉल्व कर लिया था तो ये 20 आ गया था, I'm right here, सॉल्व कर लेता तो ये 20 आ गया था, ठीक है, अब एक्स और वाई आ गया, नाउ फॉर आई यू एफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, अब मैं क्या करूं जी इसके लिए, मैं क्या करता हूं इसको यहां पुट कर देता हूं, मिनिमम ऑफ ऑब्वियसली बात है ये भाई वैल्यूज आ गई हमारे पास, जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है हम उसको कहां पुट कर देते हैं, इन द यूटिलिटी फंक्शन, तो दिस इज 2x प्लस का वाई और एक्स प्लस का 2y, ये यहां पर पुट कर दो, 2 × 20 = 40 + 20 = 60 u bar, so now the u bar is 60, बस में आगे मिली आप लोगों को, u bar is 60, अब क्या चाहिए जी मेरे को, मेरे को चाहिए, देखो लॉजिकल बात है मेरे पास ये u bar आ गया, अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था जी मेरे से कितनी कह रहा था कि भैया यूटिलिटी पुरानी वाली है बट न्यू प्राइस है, प्राइस रेशियो न्यू है, तो मुझे दोबारा से बात करनी है एट न्यू प्राइस रेशियो, एट न्यू प्राइस रेशियो, अच्छा जब प्राइस रेशियो न्यू हो जाता है ना फिर हमको वही लॉ यूज करना पड़ता है वो लाइन वाला, ठीक है, फिर हमको यही वाला लॉ यूज करना होता है लाइन वाला, तो ये आ गया जी इधर एट न्यू प्राइस
दैट इज P1 - P2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, और मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। अच्छा बीच में एक चीज याद आई मेरे को, ऐसी थी पता नहीं क्यों मेरे ख्याल में ख्याल आ गया, तो ये आया, मैंने संडे में आपको होमवर्क दिया था कि संडे को डाउट्स लेकर आओगे, मात्र दो बच्चे डाउट्स के लिए आए थे, मतलब आए क्या थे, बात कर ली थी उन्होंने फोन पे, डाउट डिस्कस कर लिए थे, आप कहाँ थे? हाँ वहां ना, जो कभी ना सुनाओ मैंने, पर वो एक्चुअली ये था, मैं जिस ट्रेन से आ रहा था डाउट लेने उसमें पंचर हो गया था, है ना बहुत ही बेकार था ना बहुत बेकार था ना, थैंक यू। हाँ बताओ बहाना, और आप अच्छा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सेम सेम वो एक फिल्म आई थी, वो कौन सी फिल्म थी, वो आंखें अमिताभ बच्चन की है, याद है सर? दिलनाथ ने क्या करा सर, दिलनाथ ने क्या कहा सर, जो दिलनाथ बोले कि वही मैं बोलूंगा, वही तुम करो बिना, जो रजत ने बोला भैया नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करनी बेटा, क्योंकि एक एक बच्चा भी आज डाउट पूछा था, गार्गी जी की लड़की बैठी हुई थी ना, और तुम उसने डाउट, उसको मैंने पहले होमवर्क दे दिया था, वो डाउट लेके बैठी हुई थी, ठीक है। चैप्टर 3 बहुत टफ नहीं है, मुझे जाते लगा तुमने उठाया भी नहीं होगा उसको, इतना यकीन है मेरा आप लोगों पर। अच्छा आपने बेटा देखा था चैप्टर 3, शक्ल देखी उसकी नहीं आपने, शाबाश। और मुझे कहाँ जाना है, DSP जाना है आपने रखी, हाँ क्या है तो बताना जरा, है क्या, अच्छा चैप्टर में क्या है ये बता दो, अच्छा चैप्टर का नाम बता दो नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 2-3 होमवर्क, वो चैप्टर 3-4 होमवर्क है आपका कमिंग वीक में, हाँ जी AC बंद करना है, पेन चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा जी पेन। अरे मैं अवेलेबल हूँ, कहाँ जाऊँगा, रेड चल जाएगा, मैं कहीं नहीं जाता, मैं होता हूँ, अगर मैं ऑफ पर भी हूँ तो मैं घर पे अवेलेबल हूँ, आप मैं फोन बात कर सकते हो, चलो कोई नहीं गाइस, चलो ठीक है मजाक के तौर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको होमवर्क के नाम पर तो बुक्स पढ़ने के लिए दूंगा, क्योंकि बुक्स पढ़ने से ना मुझे सपोर्ट बहुत मिलेगा आप लोगों की साइड से, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा ना तो वो अंडरस्टूड होगा, ठीक है यार ये तो बात कह रहा था तो उस दिन लिखी हुई किताब के अंदर, है ना, ये करना ठीक है। अच्छा एक चीज और शायद नहीं ध्यान दियो, पोर्टल पे मैंने अपडेट करा था, पोर्टल होमवर्क अपडेट देखा था तो नहीं यार तुम कर क्या रहे हो ये तो बता दो, करना क्या चाहते हो, पोर्टल अपडेट देखा था ना, उसमें मैंने वीकली होमवर्क के नाम से लिखा है, और मैंने बहुत टाइम लगाया उसके ऊपर, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने हिसाब से चीजों को, मैंने क्या करा है कंसेप्चुअली वीडियोज आ गई, एक या जो भी वीडियो है तो उसके नोट्स आगे नीचे, अब देखो तो बहुत मेहनत करी है मैंने वहां पर, हाँ वही है मतलब जैसा पैटर्न जाएगा, मैंने देखो वीडियो का नाम भी और नोट्स का नाम भी है, ठीक है भैया पहले वीडियो देख लो फिर नोट्स को पढ़ लो, बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है जितना बेसिक हो जाए फिर वो बढ़ता रहेगा होमवर्क नलायक चलो ठीक है। अच्छा अगेन प्राइस रेशियो चेंज हुआ तो सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, अगेन एट न्यू प्राइसेस द सोल्यूशन इज हियर, सो द ऑब्वियसली बात है ओनली एक्स का आंसर आएगा। अच्छा पहले ओनली एक्स को मैंने M/P1 लिख दिया था, पर अब लिखूंगा M/P1 कतई नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जनरल लेवल पे ओनली एक्स का मतलब होता है वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है एक मिनट आया मैं बस बेटा एक मिनट आया मैं,
नहीं आओ देखते चलो। एक कम लग रहा है चलो। अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा बातें नहीं इधर मुझे बताओ, ओनली एक्स हो गया तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा इसका मतलब ये है कि मुझे कहाँ पुट करना है इसको, क्योंकि मेरा सारा गेम चल रहा है यूटिलिटी पर, इधर पुट करना है मुझे यूटिलिटी के अंदर अंदर, ठीक है? पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, सॉरी नॉट आई यू वर। अब देखो क्या थी, वो ये थी आपको यू बार आ गया था, तो नाउ IUF is U bar is equals to minimum of 2x h y h comma x h 2 y h, ठीक है? That is equals to 60, जो कि 60 अवेलेबल है। अच्छा y क्या है? 0, मैंने रखा था ना y को 0, ठीक है? 2 hx and, ठीक है? अब हाँ मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, देख रहा है? ठीक है तो ये आ जाएगा एक्स एच मिनिमम, और ये किसके बराबर है? एक्स एच की वैल्यू आ गई 60, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फॉर्मूला होगा एक्स एच माइनस का एक्स, ये 60 है और एक्स कितना था? एक्स था 20, ठीक है? अब चाहिए मुझे हिक्स इनकम इफेक्ट, ये होगा जी x डबल स्टार माइनस का x h, ठीक है? तो ये हो गया जी आई थिंक 100 माइनस का 60, नहीं कितना था बेटा, ये कितना था x डबल स्टार कितना था और x h 60 था, ये कितना आ गया जी? ठीक है तो आपको ये बेसिकली आंसर आ गया, एक इनकम इफेक्ट एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गॉट इट? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना वैल्यूज के साथ। तो ये हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन वाला हो गया, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, मतलब जितने हमने पहले सीखे हुए प्रेफरेंसेस उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पहले मैं चाहूंगा आप लोग, क्योंकि वो बात अलग है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास में हमारे पास मुश्किल पढ़ना है, लेकिन मैं तो अपना खुराफाती दिमाग चलाऊंगा ही आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले यूटिलिटी मतलब वो डायग्राम वगैरह बना के इसका ऑप्टिमम बता दो, ठीक है? यूटिलिटी वाली एक्स प्लस का वाई कॉमा 2x, ठीक है? इन्फॉर्मेशन सेम है, इनकम इज 100, P1 P2 इज 2.3, P1 डैश P2 इज 1.3, ठीक है? चलिए मैं आपको इसको मतलब सलक्की तक तो चलो मत पहुंचो, मैं नहीं कह रहा हूं वहां तक पहुंचो, आप फिर इसका डिमांड फंक्शन निकाल के दिखा दो मुझे, सब लोग ये ऑनलाइन वाले भी और ये ऑफलाइन वाले भी, फिर इसका मुझे डिमांड फंक्शन सॉल्व करके बता दो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से।
जी बेटा बातें नहीं कोई भी, और ना ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला बेटा किससे बात करे है ना, ऑफलाइन वाले बात कर सकते हैं बेटा। सारे सॉल्व करके बताओ ठीक है। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, मेरे को ना चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आंसर बताने का, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बट सॉल्व जरूर करोगे, सॉल्व जरूर करोगे। रिविजन हर क्लास का करते रहो साथ साथ, सारे के सारे, नहीं करोगे तो फंसोगे। सबके पेरेंट्स के नंबर है मेरे पास, कुछ के तो एड्रेस भी पता है कुछ के तो मुझे एड्रेस भी पता है, एड्रेस बिल्कुल घर। सॉल्व भाई क्या है, सॉल्व करो, फीस दिए तुम लोगों ने, पढ़ाई तो बढ़िया करो, सिलेक्शन चाहिए मुझे तुम लोगों का। हाँ जी बेटा, कॉपी के इतने पेज क्यों पलटे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते? नहीं नहीं समझी नहीं मैंने, ये बदल दिया अंदर वाला, लेकिन मैथ वाली बात तो करी है ना हमने, वो तो वही तो सारी चीज होती है, याद नहीं है भैया, वो याद हो जाए। बेटा आप भी भेजो ये ऑनलाइन वाले अच्छे जो हैं, अरे जब नहीं हमें आंसर नहीं पता होता ना, मेरा चौड़ में आ गया, देखो ये बात ऐसी है चलो कोई नहीं गाइस, मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिकली पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे उन क्वेश्चन को हटवाना छुड़वाना जो आपसे नहीं हो सकते, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने, कोई बात नहीं मैं दोबारा बता देता हूँ कंसेप्चुअली। देखो पहले मुझे आईसी बनाना है, आईसी बनाने की टेक्निक एक ही थी कि जो भी मेरी यूटिलिटी थी उसको पुट करना किसी कांस्टेंट वैल्यू के, ठीक है। तो मैंने मान लो यूटिलिटी को मैंने कांस्टेंट माना 10 मान लो, ठीक है, उसके हिसाब से हो सकता है एक्स प्लस वाई 10 के बराबर हो, और हो सकता है 2x 10 के बराबर हो। यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गई, यहाँ से ये x 0 y 10 आ गया, और y 0 और x 10 आ गया। उसके बेसिस पे मैंने डायग्रामेटिकली बात कर ली, दिस इज x, दिस इज y, अच्छा ये आ गया 5 वाली बात, ठीक है 5, अच्छा ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ये हो गया 10.0 और ये हो गया 0.10, ठीक है 10.0 और 0.10, ठीक है। अब मेरे पास में कौन कौन से पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है। क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये भूल गए हो आप लोग, और मजे की बात है पैटर्न ही बताया मैंने आपको। अच्छा अब करना क्या है मुझे, 1, 2, 3, 4 इन चारों पॉइंट को मुझे चेक करना है ना, तो भाई कौन सा पॉइंट मेरा वैलिड है। तो मान लो ये थी मेरी, मैं रैंडमली बॉर्ड यूज कर रहा हूँ, फिर इसको रफ कर दूंगा मैं। ये था x प्लस का y 2x, ठीक है मैंने पहले रखा 0.10, ये आ गया 10 0 है ना, मैक्स आ गया 10। अगर ये मिनिमम होता तो नहीं होता, तो मैक्स चाहिए था, आ गया 10, तो वाला पॉइंट सेट सही हो गया। अब चेक करता हूं मैं 5.0, 5.10 मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 ही चाहिए थी, आ गई 10। ये गौतम अब नहीं, क्लास टाइम था है ना, इसके बाद नहीं, जो भी था ये तीनों कह रहा हूं मैं, अब नहीं है ना, अब डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जो भी है ऐसे ही होता है, बिल्कुल पता है मुझे। चलो उसके बाद क्या टच करना है, ये वाला 10.0, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, मैक्सिमम क्या आ रही है 20, चाहिए थी 10, ज्यादा नहीं कम नहीं बराबर चाहिए थी, तो वाला पॉइंट गया। अब ये वाला पॉइंट गया, तो ये वाला एरिया गया, ठीक है। अच्छा
ये सेटिस्फाई है तो ये लाइन सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई तो ये सेटिस्फाई है, तो ये अलग पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, बट आई एम कंफ्यूज इस लाइन के लिए, तो लाइन को चेक कर लेता हूँ। आसान काम क्या है, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट चेक कर लेता हूँ मैं, अगर ये कोई भी रैंडम पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो ये लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 5,10, ठीक है जी, 5,10 x प्लस का y, 5,10 यानी 15,10 क्या रहा है जी, मैक्सिमम 15 चाहिए था, 10 आ गया 15, तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब ये लाइन भी चली गई, तो हमारा आईसी क्या रहा, वही रहा ये और ये, ठीक है क्लियर, आईसी तो ये बनता। अब मुझे बनाना है जी, हाँ जी क्या करना है जी, अब मुझे सॉल्व करना है, मेरे दो एमआरएस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, एक है इसका एमआरएस, जनरली ये हमारी यूटिलिटी वाला है, और एक एमआरएस ये वाला, इसका एमआरएस तो 1 हो गया, तो इसका एमआरएस हो गया 1। अच्छा इसका एमआरएस कितना हो गया, वर्टिकल लाइन है ये, वर्टिकल है ना, वर्टिकल वर्टिकल का एमआरएस है, फॉर्मूला होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, यस इन्फिनिटी, ठीक है गॉट इट। मेरे लिए क्या इन्फिनिटी वाला एमआरएस वैलिड है, नहीं है वैलिड, ना तो जीरो वाला एमआरएस वैलिड होगा हॉरिजॉन्टल वाला, ना ही इन्फिनिटी वाला एमआरएस वैलिड होगा, ठीक है वर्टिकल वाला, कौन सा वाला एमआरएस वैलिड मेरे लिए, सिर्फ 1 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, केस नंबर 1, ठीक है बात समझ में आ गई। देखो हर किसी क्वेश्चन में, कितना भी टफ क्वेश्चन है, अगर मैक्स प्लस मिनिमम दे रखा है तो आईसी फिर उसका नहीं बनेगा, उसका अलग तरीके से बातें होंगी, ठीक है। मतलब केसेस आपको बनाने, उसके केस बनेंगे जनरल शुरुआत वाले केस, सिखाया मैंने आपको वो, है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है एरिया ले लो, ठीक है ठीक है। चलिए बेटे ध्यान से देखेगा बेटा, यहां पर केस नंबर 1, प्राइस रेशियो 1 से कम, मतलब एमआरएस से कम, वो 1 दे रखा है, ठीक है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जनरल लेवल पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर तो हम अपना आप सॉल्व कर लेंगे इन्फॉर्मेशन के लेवल पर। हमें पहले इसका आईसी बनाना है, वो पूरा इक्विलिब्रियम बनाना है, ये आया मेरा, ध्यान रखना बेटा, ये वो प्रेफरेंसेस होते हैं जिनमें हमेशा कौन सा सोल्यूशन आता है, कॉर्नर, हमेशा कॉर्नर सोल्यूशन आता है जी, ठीक है जी, कॉर्नर सोल्यूशन। मैंने बोला प्राइस रेशियो का स्लोप एमआरएस के स्लोप से कम है, ये एमआरएस का स्लोप है, प्राइस रेशियो का स्लोप इससे कम है तो इससे फ्लैटर होगा, फ्लैटर होते 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 कहां पर आएगा बात, यहां पर आएगी, ये इससे और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है बात समझ आएगी मेरी आप लोगों को। दिमाग से चलना बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, बजट लाइन का स्लोप फ्लैटर है एज कंपेयर दिस, तो इसका स्लोप अगर मेरे पास 1 है तो उसका स्लोप फ्लैटर है, तो ऑब्वियस बात थोड़ा ऐसे होगा, और ऐसे होगा जितना हमारा टूवर्ड ओरिजिन जाएगा, और टूवर्ड ओरिजिन कहां तक जाएगा, जब कहां तक एक्स एक्सिस को मैं टच ना कर जाए, क्योंकि वही पॉसिबल है मेरे लिए, राइट ठीक है। तो यहां पे मेरा हो गया ओनली एक्स का आंसर। सिमिलरली केस नंबर 2, इक्वल्स टू वन। देखो गाइस ध्यान से, तो इतना अगर मैं इक्वल्स टू 1 बोलता हूं तो मेरा बजट कॉन्स्टेंट इसको कोइंसाइड कर रहा है, दिमाग लगाओ जी, बजट कॉन्स्टेंट इसको कोइंसाइड कर रहा है, क्या आंसर होना चाहिए, और एनीवन एल्स, दिमाग लगाओ जितने मैं इंक भरता हूं, सही आंसर, गलत आंसर तो मैम ने दिया, गलत आंसर क्या बात है, तो है गलत आंसर, कोई बड़ी बात थोड़ी है,
सोचो इतने में इंक भर रहा हूँ पेन में, इतने सोचो जितनी देर में एक पेन में इंक भरी जाएगी तब तक आपको उसका आंसर देना। तुम मतलब नेगेटिव मत लेना, ऐसा होता है जब हम कुछ पूछते हैं तो एक बच्चा आंसर दे रहा होता है दूसरे के बाद हाँ में हाँ मिलाता है, जैसे हम टू का टेबल सुना रहे छोटे बच्चे दो कम दो दो दूने चार, तो जिनको नहीं आता ओ ओ ओ ओ क्या तो दिया के भी एक ना आंसर तीन बोल रहा था। नहीं नहीं ठीक है, सोचो गलत आंसर तो चलेगा बट डिफरेंट हो। मेरी इंक भर चुकी है पेन में भाई, और सोचो। अच्छा एक काम करते हैं पहले केस फ्री करो आप, ठीक है फिर कॉइंसाइड वाले पे आ जाएंगे हम लोग, आप चलो देखो समझोगे इस बात को। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर, कि जो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड, उनका जो सोल्यूशन होता है हमेशा, देखिए जो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है हमेशा वो हमेशा कॉर्नर का होता है, हमेशा कॉर्नर का होता है, ये बात कंफर्म है ठीक है जी, कॉर्नर का। अब अगर मान लो इसका कॉर्नर का सोल्यूशन है ठीक है जस्ट प्रैक्टिकली, तो आप इसको ऐसे समझना, ऐसा समझना कि कुछ भी हो जाए अगर बजट लाइन मेरी कोइंसाइड कर भी रही है, अगर बजट मेरी कोइंसाइड कर भी रही है तब भी मैं कॉर्नर सोल्यूशन की तरफ रहूंगा। आपने बोला वहां से किंग तक, मतलब वाई टू किंग बोला जो बोला आपने वहां से वहां तक का, देखो अगर आप किंग पर आ जाते हो बीच में आ जाते हो तो आप इंटीरियर सोल्यूशन ले रहे हो, है ना आपका ले रहे हो इंटीरियर। आपके पॉइंट पर अगर मैं ये बात मान लूं, देखो जनरल मैं पहले इसका डायग्राम यहां बना लेता हूं, केस नंबर टू का डायग्राम, ये प्राइस रेशियो जो है वन के बराबर ठीक है, ये और ये ठीक है, तो आपके हिसाब से बजट लाइन इसको कोइंसाइड कर रही है ठीक है जी। तो आप कह रहे हो सर यहां भी सोल्यूशन हो सकता है यहां से लेकर यहां तक, मैंने अगर यहां सोल्यूशन मान लिया यहां पे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, बट दिस इज द इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल सिचुएशन इन केस ऑफ व्हेन द गुड्स आर बैड इन नेचर, व्हेन द कमोडिटीज आर बैड इन नेचर, ये गलत केस हो जाएगा ठीक है। ये होने के बावजूद भी मैं हमेशा करूंगा एंडिंग पॉइंट पर, मेरे लिए एंडिंग पॉइंट दो हो सकते हैं, एक ये वाला हो सकता है जहां की मेरी आईसी नहीं आया है शो कर रहा, एक ये वाला हो सकता है जहां पे आईसी है, तो इन दोनों में से ये वाला पॉइंट चूज करूंगा मैं, दैट इज ओनली वाई, ओनली वाई दैट इज एम अपॉन में पी टू ठीक है जी। उसके बाद केस नंबर थ्री, प्राइस रेशियो इज बेसिकली मोर देन वन, ये था ठीक है, देखो तो ये एमआरएस वन है, प्राइस रेशियो उससे ज्यादा है, प्राइस रेशियो मतलब उससे ज्यादा है तो स्टीपर होगा, स्टीपर होगा कहां कट करेगा यहां पर ठीक है फ्रेंड, मेरे पास समझ में आ गए, बेसिकली ओनली एक्स सॉरी ओनली वाई, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, आपको कोई डाउट मैडम? हाँ बाय मिस्टेक क्या करें, कोई जरूरत ऐसा थोड़ी कुछ मतलब हो नहीं सकता। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब इस केस में जो मतलब हमारा जो प्राइस, अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर तुमसे ऑप्शन पूछे जाए कि इस क्वेश्चन के लिए प्राइस बेसिकली कौन कौन से वैलिड करते हैं, तो एक तो ये हो गया कि प्राइस रेशियो एक से कम हो सकता है ठीक है, और दूसरा प्राइस रेशियो हमारा एक के बराबर हो सकता है, तो ये आंसर आएगा। और ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली गुड वाई के लिए क्या प्राइस रेशियो वैलिड होगा, तो आप बोलोगे प्राइस रेशियो जो वैलिड होगा वो होगा बेसिकली वीकली, ये अगर प्राइस रेशियो एक से बराबर या एक से ज्यादा होगा
तुम कौन सा गुड कंज्यूम करेंगे, ओनली गुड वाइफ। ये जनरली एग्जाम नॉलेज है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जब बात करते हैं ना, कॉम्पिटेटिव माइंड ये वो है। यार आप ना मतलब पोर्टल को भी पढ़ते रहो तो आपको ना थोड़ा सा लगेगा हाँ हम अब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में हाँ मतलब फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर एंड दोनों में तो कोई सा भी कॉर्नर, तीन चीज रखिए। कौन सा वाला? नहीं हम यहाँ पे आईजीएफ थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे तो हम आईजीएफ सॉल्व कर रहे थे, यहाँ आईजीएफ थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, तो मार्शलियन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ना वहां पे हम आईयूएफ सॉल्व कर रहे थे इसलिए नहीं कर सकते थे, नहीं मार्शलियन में तो हम सॉल्व करते हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? मैं समझ आ गया। आप देखो चलो मैंने आपकी बड़ी बात रखी, आप कहते हो सर ये वाला अगर मैं इक्वल टू वाला केस ले भी लिया है तब भी उधर ही सोल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पे दो केसेस का कंबाइंड केस निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा अब मी तो मेरा क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन तो हमारा कुछ और चल रहा था, ये था। अब जरा शुरू हो जाओ, अब ये सॉल्व आप करो, मार्शलियन सॉल्व करो जी इसका सब लोग। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने तीन केस बनाए हैं ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे प्राइजेस नहीं पता थे, पर क्वेश्चन में मैंने आपको प्राइजेस दिए हैं, ठीक है। अब जरा आप लोग प्राइजेस बनाओ। रचित भाई अब नहीं, चलेगा ये सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो इसको। क्या सॉल्व करना है मुझे? पहले मैं सेलेस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, सेलेस्की इनकम इफेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व भी बात है, सेम स्टेप जल्दी सॉल्व करो, ये ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करो।
हाँ जी बेटा मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक पेन बाहर भूल गया है, मैं पेन लेकर आता हूँ, मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। मैं हाँ जी हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो मेरे से, बोलो सर। बोला था तुमने अभी, वो ऐसे बस रैंडमली इधर इधर। अच्छा बेटा सुनो, अब मेरे एव यू नो यूटिलिटी इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स प्लस का वाई टू एक्स, ठीक है। ये बेसिकली आगे मेरी यूटिलिटी बेसिकली, और प्राइस रेशियो आपको पता है प्राइस रेशियो क्या दे रखा है जी इन्होंने, 2/3, वो कितना होता है 0.6। कंपेयर कर लो एमआर से मेरा 1 कम है, तो ये हो गया कि ओनली x, विच इज m अपॉन में p1, दैट इज 100 अपॉन में 50, ठीक है जी। आगे बात समझना ध्यान से फ्रेंड्स, नेक्स्ट में ये है जी एट न्यू प्राइसेस, एट न्यू प्राइसेस, ठीक है। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे न्यू प्राइसेस पर, प्राइस रेशियो क्या है जी यहाँ पे 1/3 0.3 विच इज अगेन लेस देन 1, ओनली एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली x का मतलब हो जाएगा ये x स्टार, मुझे तो फंक्शन ऑफ p1 p2 और m डैश, दैट इज m डैश बाय p1 डैश, m डैश निकाल लेता हूं मैं, m प्लस का चेंज इन m, 100 प्लस चेंज इन प्राइस इनटू x, माइनस 1 इनटू 50, ठीक है, 50, ठीक है। बात मेरे समझ में आ गया आप लोगों को, है तो हो गया था, वेरी गुड शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो, किससे पढ़ते हो, थैंक यू। अच्छा डिफरेंस करा मैंने इसका 0, ठीक है। तो देयर इज बेसिकली नो सब्स्टिट्यूशन बिकॉज हम लोग पहले भी एक्स को ले रहे थे और हम लोग अब भी एक्स को ही ले रहे हैं। सिमिलरली गाइस अब मैं निकालूंगा एक्स डबल स्टार को अगेन एट न्यू प्राइसेस, अगेन एट p1 डैश। तो ऑब्वियसली बात है गाइस p1 डैश जो आ गया हमारे पास में 1/3 0.3 विच इज लेस देन 1, यहां पर मैं ओनली x की बात करूंगा, बट यहां पर हम निकाल लूं डबल स्टार वो ये फंक्शन ऑफ p1 डैश p2 और m। अब एक बात ध्यान दो, पैटर्न मेरा सेम है कराने का, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है ना बच्चा। अब मुझे बताना गाइस क्या होना चाहिए आंसर, अभी भी ओनली एक है ना, तो वही m अपॉन में p1 डैश 100 अपॉन में 1, मैंने डिफरेंस कर दिया इसका, हंड्रेड माइनस का 50, दैट इज 50 प्लस की इनकम इफेक्ट, ठीक है, प्लस की इनकम इफेक्ट, गॉट इट। अब मुझे निकालना है हिक्स, वहां आके मैं फंसूंगा थोड़ा सा, और फंसने वाली बात भी नहीं, अगर आप पैटर्न भी फॉलो करोगे ना कतई नहीं हो सकता। देखो एक तो पैटर्न प्लस पुरानी नॉलेज वो स्ट्रॉन्ग रखो बस आप लोग अपने, ठीक है। अब हिक्स की बात करनी है, मेरे माइंड में भी आया था पढ़ाते हुए कि मैं भी आपको तो पास से क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फिर मैंने सोचा नहीं यार ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, एक बार कंज्यूमर थ्योरी निपटा लेते हैं, कंज्यूमर थ्योरी में सिलेक्टी है, ठीक है। फिर अभी मेरे ख्याल से अगर अभी हो जाए तो ठीक है, वरना कल हम लोग बाइंग एंड सेलिंग देख लेंगे, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग वाला कंसेप्ट एक दिन का काफी है, वो क्लास एक दिन काफी नॉलेज कंसेप्ट के लिए, और एक दिन कॉन्सेप्चुअली हम लोग इंटर टेम्पोरल चॉइसेस देख लेंगे। इंटर टेम्पोरल चॉइसेस मान लो हमने अगले दिन देख लिया, वेनर्जे देख लिया हम लोगों, ठीक है। फिर थर्ड डे में ठीक है, इनके बेसिक न्यूमेरिकल मान लो, ठीक है, यानी अगले वीक में हम लोग फिर कंज्यूमर थ्योरी के पास्टर क्वेश्चन उठा सकते हैं, कि मेरे माइंड में पैटर्न चल रहा है। अच्छा अगले वीक में ना आपकी जो क्लास, मैं आपको बता दूंगा क्लास में तो चेंज है, ठीक है। मंडे आई थिंक संडे मंडे फेस्टिवल है ना,
है फेस्टिवल है तो दिन ऑफ रहेगा, ठीक है, इस वजह से तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा इधर देखते हैं, अब है हेक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब एक एक करके काम, सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे चाहिए एक्स एच, ये चाहिए फॉर एक्स एच, क्या करना है जी मुझे, पहले मुझे निकालना है अपने इनिशियल वैल्यू, तो मैंने पहले निकाली एक्स की वैल्यू, अब मतलब इनिशियल एट ओल्ड प्राइसेस, मतलब पुरानी वाली बात है एट ओल्ड प्राइसेस, तो पी वन प्राइस रेशियो बाय पी टू दैट इज 2/3.6 विच इज लेस देन 1, तो यहाँ पे ओनली एक्स का आंसर आ गया एम बाय पी वन विच इज क्या था ये 50 एंड वाई क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है। अभी तो पुट कर दूंगा मैं, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन आई यू एफ, ठीक है, पुट द वैल्यूज इन आई यू एफ इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, सॉरी डी यू एफ डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो यू इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स प्लस का वाई कॉमा 2x, ठीक है, मैक्स एक्स रखा आपने 50 प्लस 0 यो, और ये कितना हो गया 2 × 50 = 100 ऐसे कुछ, तो मैक्स कितना आया जी, तो यू बार मिल गया मुझे 100, ठीक है जी, यू बार मुझे मिल गया 100। अब क्या करना है मेरे को, अब निकालना है एक्स एच के लिए एट न्यू प्राइस पर, एट न्यू प्राइसेस हाँ जी फ्रेंड्स, एट न्यू प्राइसेस क्या करना चाहिए, एनीवन एल्स, मैं आपको P1 - P2 1/3 0.3 लेस देन 1 ओनली x, मतलब y 0, पुट द वैल्यू of y in IU wave, right? ये हो गया u bar max of x plus का y 2x, ठीक है, u bar is equals to max of x plus का y comma 2x, ये था जी 100, ये x हो गया xh, वो 0 हो गया 2xh, maximum value क्या है इसमें 2xh, ठीक है, तो xh की वैल्यू आ गई 50, मुझे क्या चाहिए था जी xh माइनस का x, बात तो वही है, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं रहा ना किसी भी तरीके से, भाई मैं पहले भी x ले रहा था, मैं अब भी x ले रहा हूं, तो क्या है बात का सब्स्टिट्यूशन रे, ठीक है, तो लेकिन पॉइंट क्या है, हमें आना चाहिए, है ना, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो भाई प्राइस के बेसिस पे आंसर आ रहे हैं, मान लो प्राइस रेशियो कुछ ऐसा होता कि बदल जाता, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमको पढ़ना पूरा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। मैं ना कुछ और क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, एक काम करते हैं पहले पुराने वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं, वही कोदाई लीनियर लॉग लॉग मॉडल उनको देख लेते हैं एक बार, वो भी जरूरी है। अच्छा ध्यान रखना, कुछ भी कर लो क्वेश्चन में, जितना बढ़ाना चाहते हो, जितना एक्सपेंड करना चाहते हो कर लो, जितना बस की हो, मतलब बस की लोगों के एंटर वालों को करने दो, आपको ना बस इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब समझना, अब थोड़े आसान क्वेश्चन बात कर, आसान नहीं मतलब वैसे वो टफ है क्योंकि इनमें इजी था, उनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। अब यू की बात कर लेते हैं, यूटिलिटी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई, ठीक है, मैं चाहूंगा ये तुम लोग करो, पता है यार गाइस क्लास को थोड़ा सा इजी पैटर्न में रहते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, शुरू शुरू में मैं करूं सारी चीज है अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम भी शुरू करो थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना, करो, मैं कॉपी, मैं एक एक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों की, और ये जो ऑनलाइन वाले हैं बच्चा वो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा सही है गलत है,
और ये ऑफलाइन वाले सॉल्व करो, मैं कॉपी चेक करूंगा आप लोगों की। करना क्या है जी, ये आसान है, इसकी डिमांड फंक्शन का गेम कुछ नहीं है, फिर मैं आपको सॉल्व करना है। अच्छा, केसेस नहीं बनेंगे, क्यों क्यों, प्राइवेट शो जीवन है, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करिए, मैं कॉपी चेक करने आऊंगा आप लोगों की। मैडम क्या हो गया, कुछ हो गया मैडम, आंसर चेक कर लेते हम लोग। ये तो बच्चे आंसर नहीं भेजते मुझे ऑनलाइन वाले भी, और भाई आंसर भेज दिया करो कुछ मेरे को। चलो मैं करा देता हूँ आपको सॉल्व। देखो एक बार मैं कॉपी चेक कर लूँ, है ना, थोड़े से जरूरी है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाई चल नहीं थोड़ी सी आपकी, चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना है ना। हाँ मैं कॉपी नहीं, कॉपी चेक कर लूंगा, बस मैं अपना देख लूंगा मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्व करो, और जिस चीज की इम्पोर्टेंट ना हो वो सॉल्व करो। क्यों लैग्रांज यूज करना है भाई, नहीं लैग्रांज यूज क्यों करना है, लैग्रांज तब यूज करना होता जब मुझे इसका डिमांड फंक्शन में इंटरेस्टेड होता मैं। टेक्निकली सॉल्व करो आप, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही तुम में से किसी की भी, ये दो तीन बच्चे पढ़ते हैं बस। हाँ इतना पढ़ाया है बेटा, टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट में एक 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 नंबर ऑफ पॉइंट रखूंगा कि इतने नंबर से कमाए फाइन लगाऊंगा, और एक एक हजार रुपये फाइन,
फाइन, एक एक टेस्ट का। नहीं, दोबारा बदल गई पॉलिसी। इधर पहली बात ना, आप लोगों को टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को ना केसेस वाले कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं, केस वाले जहां पे केस बनते हैं, है ना। अब आप समझो, अब जो प्रेफरेंसेस जिनमें एमआरएफ पॉसिबल होता है, ठीक है, रूट वालों में होता है, वेल बिहेव वालों में होता है, ठीक है, बहुत जगह पे होता है, तो उनको ना आप इस टेक्निक से सॉल्व करो। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, आप ना उनको इस टेक्निक से सॉल्व करो। एमआरएफ इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, ध्यान रखना ये शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस चीज का है कि सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो तब लैग्रांज यूज करो। मतलब क्वेश्चन वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, बट क्वेश्चन कुछ और है तो फिर उसका मैटर नहीं करता, उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, करते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस मेथड से करो, एम एस कितना होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा जी प्राइस रेशियो 2/3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो गई 9/16, फिर आप इसको यहां रख दो बजट लाइन के अंदर, दैट इज 2x प्लस का, फिर y इक्वल टू 100 यहां रख दिया आपने, तो 2 × 9/16, ठीक है। तो ये हो गया 8, फिर y इक्वल टू 100 माइनस का 9/8, ठीक है, कितना आ जाएगा, अच्छा अप्रोक्सीमेटली वैसे बता दो, 7 9 1 अपॉन में 8, ऐसे कुछ आ रहा था ना, नहीं 24, अच्छा हाँ सॉरी 24 आएगा, तो मैंने 3 में, ठीक है, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो इस बात से कि समझो, हम लोग जब पढ़ते थे तो केसेस बनाते, तो केसेस इसी बात का बनता था कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। हमने तो केस दो बनाए थे कि हो सकता है वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, हो सकता है वाई की वैल्यू नेगेटिव है। जब वाई की वैल्यू नेगेटिव आ सकती थी, उस टाइम आ जाती थी, तो हम यूं बोलते थे कि भैया ऐसा है गुड वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव को हम लोग कंसिडर करते थे। इसका मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एक्स ट्रांसफर सही है, सही होने का मतलब यही है। और अगर ये नेगेटिव होता तो ये जीरो हो जाता और ये एम बाय पी वन हो जाता, 100/2 यानी 50 हो जाता। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को टेक्निक, यानी ये देखो ना शॉर्ट में कर लिया, इस चीज के नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं देगा आपको इस चीज के, ठीक है। मैम आपको समझ में आगे बात मेरी है, अच्छा ये मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, मतलब मैंने एक्स को सॉल्व करना सिखाया, भूलना मत करो, ठीक है। टच लूंगा मैं सच में सीरियस मोड पर, मेरा मन भी तो ये कर रहा है मैं तुम लोगों का टच रख लू, बस मैं रख लूंगा एक दो दिनों में। हाँ सरवाइव नहीं सरवाइव होना भाई, ये दोनों बातों में सरवाइव तो क्या पता नहीं होना भाई है। और यहाँ से तुमने मेरा मॉल डाउन करा उसका क्या यार, तुम लोग मेरा मॉल डाउन कर रहे हो। अच्छा इधर देखो, सो बेसिकली बात ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ टेक्निकली, तो मेरे को ना सलक्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है स्टार P1-P2 और M- माइनस का एक्स P1, P2 और M, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स चाहिए, वो किस बेसिस पे आएगी, वो इस वाले बेसिस पर आएगी, जैसे मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो जो x का आंसर आ रहा है वो 9/16 आ रहा है, और y का आंसर आ रहा है वो 7 9 1 अपॉन में 2 y आ रहा है, ठीक है। इसको करना जरूर है शॉर्ट टेक्निक को, बट इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा। राइट अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे चाहिए x स्टार, ये ठीक है, मेरे को ये वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करूं मैं भाई, ऑब्वियसली बात है ये आएगा एट न्यू प्राइसेस, ठीक है, एट न्यू प्राइस रेशियो। तो कितना होगा जी ये न्यू प्राइस रेशियो पर, इट इज P1 - P2, है ना,
और कितना था ये 1/3 0.3 विच इज लेस देन 1, ठीक है जी 0.3 लेस देन 1 हो गया ये। अब क्या करूं मैं, सिंपल सा लॉजिक है, मुझे दोबारा से रीचेक करना है, मुझे दोबारा से रीचेक करना है क्या यही कि देखो पहले फ्रेंड्स ये कंफर्म कर लो, देखो जनरली समझना, जब इसके प्राइवेट जीवन नहीं हुआ करते तो केसेस बनते थे ना, तो जिन जिन क्वेश्चन में केसेस बनते हैं प्राइवेट के बेसिस पे, और जब प्राइस चेंज हो रहा है तो जरूरी आपको चेक करना है क्या केस बदल रहा है ना, क्या केस बदल रहा है, नहीं बदला तो ठीक है, तो न्यू प्राइस पे आ गया, आपने वही रखा MRS equals to price ratio, that is ये हो गया MRS कितना था 1/2 root x, और ये हो गया 1/3, x की वैल्यू कितनी हो गई जी 9/4, ठीक है। अब 9/4 हो गई, अच्छा मैं मुझे चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू का आंसर क्या आता है, that is x plus का 3y is equals to 100, ये 3y equals to 100 माइनस का 9/4, ठीक है, ये हो गया 400 माइनस कर दी तो 391/4 y की वैल्यू आ गई 391, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है, एक मिनट गाइस सर का फोन है, अब एक बात बताओ ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये आंसर वैलिड है, मतलब वैलिडिटी होती है इसकी, ये आंसर वैलिड है क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, क्लियर मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को, अब क्या करना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझना जी चीजों को, मेरे को मैंने जो चीजें सॉल्व करी है मेरे को ये एक्स का आंसर चाहिए था, ये पता क्या आया है, ये X4 आया है, अच्छा मैं अब एक बार बताओ ये चार आया और ये एम डैश का आया, लेकिन मजे की बात क्या है कि यहाँ पे इनकम की तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोदा लीनियर में नेसेसरी गुड में इम्पोर्टेंट नहीं होती है, अजीब बात है, वैसे फ्री में थोड़ी आता है ये गुड, नहीं फ्री में थोड़ी आता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा अब X4 माइनस का X 9/4 माइनस का कितना हो गया जी, वेरी गुड, बड़ी इंटेलिजेंट हो, सिमिलरली एक्स डबल स्टार नहीं पूछूंगा मैं, अच्छा इस पे भी सेम आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि इनकम की तो इंपॉर्टेंस थी ही नहीं, इनकम को तो मैटर कर ही नहीं रहा था, अब देखो आपके सामने है तो यहां पर भी ये आंसर आएगा 9/3, तो फिर आप सॉल्व कर लो इसको, ओ सॉरी 9/4 9/4 - 9/4 0, दैट इज प्लस की इनकम इफेक्ट। अब मजे की बात आप ये समझो कि ऐसा क्या हुआ जो प्लस की इनकम इफेक्ट जीरो हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे दोनों ही बातों में दोनों ही प्राइस पर एजेंट जो है वो रिच है, एजेंट जो है वो अमीर है, और उसका नेसेसरी गुड पर इनकम का इफेक्ट नहीं होगा, मेरी बात, जब इंसान अमीर होता है ना, ठीक है,
तो इनकम का इफेक्ट नेसेसरी पे नहीं होता, क्यों है ना? अब हाँ, एक तो ये चीज मतलब ये बात होती है ना, मान लो कोई इंसान अमीर है तो ये थोड़ी कि वो ज्यादा खाना खाएगा, मैं क्योंकि मैं ज्यादा खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ, या मैं ज्यादा कपड़े पहन रहा हूँ मैं अमीर हूँ, नॉनसेंस की बात है। मैं आगे मेरी बात, तो अगर कोई पर्सन अच्छी ये बात पहचान के अपनी मुझे कि वो बंदा रिच है, वो ऐसे पहचान हुई क्योंकि वो दोनों केसेस में वाई को कंज्यूम कर रहा है, और अगर वाई को कंज्यूम कर रहा है तो मतलब वो रिच है तो अपनी इनकम रेट हमेशा जीरो होगा, राइट? तो ये सब चीजें पता है क्या फ्रेंड, ये सब चीजें ना आपको मतलब समझनी है। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ना आप अपने माइंड में इसको रख लो, हाँ यार रूट एक्स प्लस का वाई, और इन आंसर्स को रख लो, मतलब ये जो मतलब आंसर आते हैं पी टू स्क्वायर बाय फोर पी वन स्क्वायर ऐसे करते करते, है ना? ऐसे क्या होगा अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना तो आंसर निकालने में टाइम बचेगा, ठीक है? प्लस अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप यहां सीख रहे हो तो हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है? चलो अब मैं क्या चाहता हूं, ठिक्स को सॉल्व करवाना, ठिक्स है ना, ठिक्स को सॉल्व करना, करो जी शुरू हो जाओ, ठिक्स को सॉल्व करना शुरू हो जाओ। बेटा अब समझ में आ रहा तुम्हें, है ना? अब पता क्या करो, तुम जितना पढ़ाया सारा पढ़ लो, ठीक है? सारा पढ़ लो, अब तो पोलूटेड है ना वो पोर्टल, दो तीन दिन में निपटा दो जितना होमवर्क। गाइस एक हफ्ते का होमवर्क है वो ध्यान रखना पोर्टल पे, इस हफ्ते निपटा देना, फ्राइडे या सैटरडे में नया होमवर्क अपलोड करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए वो होमवर्क निपटाओ, ठीक है? अब जैसे मैं माइक्रो कर रहा हूँ डिस्कस, कंज्यूमर थ्योरी हो गया तो तुम देखो फिर से मैं और एडवांस डालूंगा कंज्यूमर थ्योरी, फिर मैं मैक्रो, फिर इंटरनेशनल, फिर डेवलपमेंट, फिर पब्लिक, वो सब अपलोड करूंगा मैं, होमवर्क निपटा दे, ठीक है? हमें सिलेबस नवंबर सेमेस्टर 5 के पेपर से पहले खत्म करना है, ये मेरा टारगेट है, यानी नवंबर से पहले पहले। मैं तो अपना कर दूंगा इकोनॉमिक्स वाला, सुधीर सर अपना कर देंगे, फिर तुम्हें रिविजन का टाइम भी तो चाहिए ना, हम जल्दी मान लो नवंबर में हमने कर दिया, फिर तुम्हारे पास रिविजन का टाइम होगा, फिर रिविजन करना, फिर डाउट पूछना, खत्म बात। क्यों कह रहा है रिविजन, अरे नॉर्मल तो पढ़ ले। नहीं उसको ठीक कैसे करना है, आपको पढ़ना जरूरी है बेटा रेगुलर, तो अगर आप नहीं रेगुलर पढ़ोगे ना तो फंसोगे। अच्छा फंसने के बाद प्रॉब्लम आपको ही होनी है एंड ऑफ द डे, यार आपका कैरियर अफेक्ट हो जाएगा एकदम से, है ना? तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, ठीक है? चलो सॉल्व करो इसको फ्रेंड, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो अच्छा इंसान में मदद करना जानता लोगों की। ठीक है करें फॉल, ऐसा होगा जी हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हम लोगों को करना क्या है, मेरे को चाहिए एक्स एच। चलो पहले तो मैंने ये निकाल लिया, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 9/16 और वाई की वैल्यू कितनी थी 791/24, ठीक है? अब मेरे को चाहिए बेसिकली एट न्यू प्राइसेस P1' / P2 1/2√x है, अच्छा वैसे तो मैं उसके बाद निकाल देता, चलो कोई नहीं। आयु है, अच्छा उसके लिए क्या करना है जी, यू रूट एक्स प्लस का वाई 9/16 3/4 तो सॉल्व कर लो, 6 ये हो गया 18, ये कितना हो गया? अच्छा आप डेसिमल में चल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ये 24 6 4 24 18 18 ये 9 9 8 कितना हो गया आई थिंक 109 राइट, वो 809 ठीक है, ये आ गया यू बार, ठीक है?
एट न्यू प्राइस रेशियो P1-P2 1/3 और MRS हमारा है 1/4 में 2√x। ठीक है, देखो पैटर्न तो वही रहेगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों को रखा 1/4 में 2√x 9/4। ठीक है, 9/4। तो आपने ये अब बेसिकली आया क्या, अब एक बात सोचो क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये नेसेसरी कमोडिटी है, ये हर केस में अपने हिसाब से चलेगी, इसको इनकम की कोई जरूरत नहीं है। और जब इसको इनकम की जरूरत नहीं है तो इसको गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है, यानी IUF वाला कंसेप्ट इसके लिए अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, इस हो जाती है 9/4, दिस इज XH। ठीक है, और माइनस कर दो इसको, XH माइनस का X, 9/4 माइनस का 9/16, सेम आंसर 27/16। सो दिस इज बेसिकली द सेम आंसर जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, ठीक है, यहां तक भी बात में आ गई। बेटा वो मुझे वो क्वेश्चन दिखाना सारे के सारे, वो जो 15 महीने लिखवाए थे उनमें से एक क्वेश्चन रहता है, अगर आपको याद हो, मैंने जानबूझ के अगर क्वेश्चन छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था जो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन था। हाँ, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि वो एकदम से कराऊंगा तो एकदम घबरा जाओगे आप लोग। अपने हिसाब से कराऊंगा मैं, वो मुझे देखे ना 15 क्वेश्चन, तो मैं टिक कर लूं कौन कौन से हो गए। पहला हो गया सब्स्टिट्यूट, हो गया मिनिमम, हो गया कोरिलिनियर, हो गया। ठीक है, अब हमें कॉनकेव वाला करना है। ठीक है, डन है, रेडिंग बहुत साफ है, तो साफ लिखा करो, तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं समझ में, नहीं मुझे समझ में आती चीज है। अरे भाई आ गया, एक्चुअली होता क्या है, आंखें नहीं बस क्या बताऊं मैं आपको, इकोनॉमिक्स है ना, इसमें मैंने कई साल बिताए हैं। यदि छोटे बच्चे के तोतलेपन की सारी बातें पेरेंट्स समझ जाते हैं ना, ऐसी कितनी खराब लैंग्वेज है, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। कई सालों का साथ है मेरा इससे, है हाँ। चलो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, कहते देखो मैं ना ये चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है, सलक्की का कंसेप्ट हो गया। अब वैसे बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत शॉर्ट की डिस्कशन है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग में अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करोगे तो 90% वो सलक्की वाला है। ठीक है, तो मैं इसके दो पैटर्न्स हैं फ्रेंड, एक है थ्योरी वाला, एक न्यूमेरिकल वाला। पहले मैं इसका थ्योरी डिस्कशन करता हूँ। बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग में ना एक कंसेप्ट निकल के आता है कि एक पर्सन है, जैसे मैं हूँ और जैसे आप लोग एग्जाम्पल, तो आप ऐसा हुआ कि आपके पास 12th तक की को पढ़ी, आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ ली, तो आपके पास ना इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज सबके पास है। अच्छा, एक इकोनॉमिक्स की नॉलेज मेरे पास है ना, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज की क्वांटिटी है वो मेरे पास ज्यादा है और आपके पास की कम है। तो दिस इज द गुड इकोनॉमिक नॉलेज, दिस इज द कमोडिटी इकोनॉमिक नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज का जो एंडोमेंट है, एंडोमेंट मतलब फुल अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो मेरे पास ज्यादा है और आपके पास कम है। सो इन दिस सिचुएशन मैं उसका सप्लायर हूं और आप उसके बेसिकली डिमांडर हो। समझ में आ गई, मैं उसका सप्लायर हूं और आप उसके डिमांडर हो। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो आप भी कोई ना कोई एंडोमेंट लेके आए हो मार्केट में, मैं भी कोई ना कोई एंडोमेंट लेकर आया हूं मार्केट में, बट आपने जब डेमो लिया तो ये कंफर्म हो गया, हाँ इसके पास जो नॉलेज है हमसे ज्यादा है, तो यानी इसके एंडोमेंट ज्यादा, तो इसके एंडोमेंट छीन लेते हैं उससे, मतलब छीनने का मतलब खरीद लेते हैं। तो आपने खरीद ली, आपने मेरी सर्विस के लिए पे करा,
आपने पेमेंट पे करा अमाउंट, मैंने आपको अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये एजुकेशनल नॉलेज है तो ये हमेशा बढ़ती है। अगर ये कोई गुड्स होती है, कोई क्वांटिटी होती है, तो ये कम होने लग जाती। अगर ये कुछ फल सब्जी होती तो ये फिर कम होता क्वांटिटी, लेकिन ये नॉलेज है वो बात अलग है, बढ़ रही है, मतलब इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, एक तो होती है एंडोमेंट, एक होती है डिमांड, राइट। आप लोगों की डिमांड जो है, आप सबकी डिमांड जो है वो है जी एंड में एंट्रेंस की वाली, मेरा एंट्रेंस निकल जाओ उतनी नॉलेज है ना। और आपके पास जो एंडोमेंट है वो अप टू ग्रेजुएशन तक की नॉलेज, तो आपको खुद को लगता है कि नॉलेज कम है, एंडोमेंट कम है, डिमांड ज्यादा है, तो अब आप कौन बन गए, उसके नेट बायर। अब मैं कौन हो गया, उसका नेट सेलर। ये किस बेसिस पे निकाला है मैंने, अच्छा और सुनो, मेरे पास एक इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, ठीक है, और मुझे एक इकोनॉमिक्स की सप्लाई करनी है नॉलेज, समझना। एक मेरे पास एंडोमेंट है और एक मुझे डिमांड करनी है, इको की नॉलेज तो मुझे भी चाहिए। तो जैसे मैं जब स्टडी करता हूं तो मेरे पास ज्यादा है और डिमांड मेरी कम है, तो इस सेंस में मैं कौन हूं, सेलर। अब समझो आपको जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, आपको पूरे दिन में कॉलेज भी जाना, ट्यूशन नहीं पढ़ना है, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना, मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज के लिए थोड़ा टाइम देना बस, आगे मेरी बात। आप लोग, आपको ज्यादा मुझे कम, तो कहीं ना कहीं मैं भी डिमांडर हूं, पर मेरी डिमांड कम है, आपकी डिमांड ज्यादा है, मैं कौन हूं, नेट सेलर फॉर दिस गुड। डिमांड, मैं डिमांड भी कर रहा हूं, डिमांड भी कर रहा हूं, डिमांड कम है और आपकी डिमांड था, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली एंडोमेंट वाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे होती है कि इकोनॉमी में ना प्राइसेस चेंज होते हैं, भाई प्राइसेस चेंज होते हैं, जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस चेंज होने पर ना एक तो खर्चा साइड बढ़ता है, चेंज होता है, एक्सपेंडिचर साइड, साथ साथ इनकम साइड भी चेंज होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दू, इन दिस सिचुएशन में अगर आप में कोई होगा शायद 11 12 पढ़ाता होगा, एग्जाम्पल बहुत से ट्रेंड है, कॉलेज के बच्चे 11 12 पढ़ा लेते हैं, छोटे क्लास पढ़ा लेते हैं, राइट। सो इन दिस सिचुएशन आपकी जो इनकम है वो एंडोमेंट के प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद जनरेट हो रही है। मैं हूं, मुझे अगर हायर स्टडीज पढ़नी है, मुझे अगर MIT से कोई कोर्स करना है तो वहां पेमेंट देनी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की हाई नॉलेज लेनी है, पेमेंट देनी है, पैसे मैं कहां से कमा रहा हूं, क्या कमाऊंगा यहां पे अपनी इस वाली इकोनॉमिक नॉलेज को बेचकर, यहां पे कमा के वहां पे मतलब पे करूंगा। तो है क्या कि मेरी जो इनकम भी आई है वो भी मेरी एंडोमेंट के बेसिस पे आई है, राइट, एंडोमेंट के बेसिस पे। अच्छा एक बात, हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेंगे कि प्राइसेस आर सेम, इधर आई एम ऑन द बेसिकली डिमांडर साइड और ऑन द एंडोमेंट साइड, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं, देखो ऐसा होता है, यहाँ पे एक एंडोमेंट नाम की चीज होती है, इसको ऐसे मान लो WX and WY, ठीक है, वो जनरल इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी, वो डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरा पुराने का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, मैं कहीं ना कहीं सारी बातें कर लेता हूँ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की सारी बातें, और आराम आराम से इस्तेमाल करता हूँ लोग, आराम आराम से, ठीक है। एंडोमेंट आ गया, फिर एक हो गया मेरे पास में डिमांड, ठीक है, जैसे कि मान लो X and Y, ठीक है। अच्छा, अब इनमें आ गया जी बेसिकली नेचर ऑफ द एजेंट, दैट इज WX - X या WY - Y, ठीक है। जनरल बात कर लेते हैं, ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब मैं एक को मिटा देता हूँ, एक ही बात है कंसेप्ट समझने के लिए, ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एंडोमेंट इज मोर देन डिमांड, तो आई एम अ नेट सेलर। ये नेगेटिव है, यानी डिमांड इज मोर देन एंडोमेंट, तो आई एम अ नेट बायर, ठीक है। चलो जी, अच्छा प्राइसेस चेंज होंगे, इट विल अफेक्ट एक्सपेंडिचर एज वेल एज, मतलब इसका दिन बोलो एंड ज्यादा बेटर इनकम, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे तो बेसिकली बजट कंसर्न होगा P1X P2Y लेस देन और इक्वल टू M, ठीक है। यहाँ पे जो M होती है, ध्यान रखना, हम लोग जब सिलेवस्की की बात करते थे सिलेवस्की, तो वहां पे इनकम गिवन होती थी, है ना, यहाँ पे इनकम गिवन नहीं है,
यहाँ पे मुझे प्राइजेस गिवन है और मेरी एंडोमेंट गिवन है, ठीक है। जैसे मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू वाई माना, ये हो जाएगा पी वन डब्ल्यू एक्स पी टू डब्ल्यू वाई। शुरू में समझ में आ रही है मेरी, है ना, पहली बार पढ़ रहे हो ये, समझ में आ रही है। इसलिए देखो मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको, है ना। बाकी जो तुम वो पढ़ोगे ना मेरा वाला टॉपिक पोर्टल पे से, उसको सीक्वेंस से पढ़ना, चैप्टर मतलब क्लास वन से, वो समझ में आएंगी आपको सारी बातें सीक्वेंस से, ठीक है। ठीक है ना गाइस, मान लो मैंने इसका डायग्राम बना दिया, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। ध्यान रखना एंडोमेंट कहीं बीच में होगी, दिस इज बेसिकली डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है। अच्छा एक बात है, सिंपल सा लॉजिक है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई। अब अगर मैं ये कहता हूं कि अब जब एक इंडिफरेंस कर्व होगा, हो सकता है मेरा इंडिफरेंस कर्व यहां पर हो, मान लो अगर इंडिफरेंस कर्व मेरा यहां पर है, तो मैं इतनी डिमांड कर रहा हूं एक्स की, एक्स की डिमांड इतनी और एंडोमेंट कितनी थी ये, तो दिस इज द रीजन नेट सेलर, आई एम अ नेट सेलर बेसिकली, राइट। एंड ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ये मेरी वाई है, तो गुड वाई के लिए मैं डिमांडर हूँ और गुड एक्स के लिए मैं सेलर हूँ। तो हो सकता है मेरा आईसी इधर आ जाए, ए बी पॉइंट हो गया, तो वही डिफरेंस है ना, तो ये वाला रीजन फिर नेट बायर का और ये वाला रीजन नेट सेलर का, है ना। हो सकता है मेरा आईसी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, हो सकता है मेरा आईसी यहाँ पर आ जाए, मनी मनी जो मेरी वैल्यूज है ना एक्स वाई की, कुछ नहीं है आईसी में, बजट लाइन है, ऑब्वियसली बात है आईसी होती है बजट लाइन पे आने के लिए। अब तीन जगह आ सकते हैं, या तो वो इस देखो ये एंडोमेंट पॉइंट है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई, या तो ये इसके इधर आ सकता है, या ये इसके इधर आ सकता है, या ये इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, या तो उधर आ सकता है या इधर आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, ठीक है। इसी में तो निकलना, ठीक है, रिमोट कहाँ है इसका, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, वही बीच में है, ठीक है। अब देखो अगर ये इसके इधर आता है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर आने का मतलब हो जाएगा कि भाई एक्स की डिमांड कर रहा है और ये एंडोमेंट है, तो जो डिफरेंस हो जाएगा नेट सेलर वाला हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा अगर वो इधर आ जाता है, इधर आने का मतलब क्या है कि जो डिमांड फॉर गुड एक्स है उसकी एंडोमेंट है, जो डिमांड फॉर गुड वाई है वो उसकी एंडोमेंट है गुड वाई की, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अगर हमारा आईसी ऑन द एंडोमेंट पॉइंट आ जाए, उसे हम कहते हैं पोलोनियस पॉइंट, ठीक है, पोलोनियस पॉइंट, क्या बोलते हैं जी, पोलोनियस, भूलना मत ये, कौन सा वाला, ये बेसिकली मेरी इनकम है, मतलब मैं मेरे पास ये इको की नॉलेज है, ये मैथ की नॉलेज है, कौन सा वाला पूछ रहे हो, ये यार वही तो बता रहा था मैं, अगर आपका इंडिफरेंस कर्व उस एंडोमेंट पॉइंट पर टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंसी एट द एंडोमेंट पॉइंट है, तो फिर पोलोनियस हो जाएगा, किस चीज के लिए, लेकिन वहां का पोलोनियस का इंट्रिंसिक मीनिंग अलग था, समझो बात को, वहां की बात अलग थी यहाँ की बात अलग है। यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि पर्सन एक्स वाई उतना कंज्यूम कर रहा है जितनी मतलब जितनी वो एंडोमेंट है उसके पास, ठीक है, जैसे पोलोनियस पॉइंट बोलेंगे, राइट, बात समझ में आ गई। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा ये हमारी जैसे इनकम हो गई, आप इसको चाहो तो इनकम कह सकते हो, बट वो इनकम का फॉर्मूला पी वन डब्ल्यू एक्स प्लस पी टू डब्ल्यू वाई हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब मैंने बोला कि प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं कम भी हो रहे हैं, तो उसका खर्चा वाला साइड भी अफेक्ट होगा और इनकम वाला। अब ऐसे देखो, मान लो प्राइस बढ़ रहा है, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल मेरे जो एमआईटी वाले हैं, उन्होंने मुझसे फीस बढ़वा दी, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी फीस बढ़ा दूंगा मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो यहाँ से इनकम भी बढ़नी पड़ेगी, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, वही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मैंने ये कहा था कि खर्चा साइड बढ़ेगा इनकम साइड बढ़ेगा, और मजे की बात क्या होगा, अगर प्राइस चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है स्लोप चेंज हो रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है तो डायग्राम का शेप चेंज हो रहा है, या तो स्टीपर होगा या फिर फ्लैट हो रहा होगा। अब खास बात क्या है यहाँ पर, कि अब जो होगा जो बजट लाइन है जो शिफ्ट जो बेसिकली स्लोप चेंज कर रही है,
वो एक पॉइंट से क्या मतलब पास करेगी। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, इस पॉइंट को पास करेगी। आप बोलोगे सर क्यों, रिवर बिहाइंड। हम दोनों एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर ये मेरा कॉन्स्टेंट होता और प्राइस बढ़ रहा होता कम हो रहा होता तो क्या होता, स्लोप चेंज होता, प्राइस रेशियो चेंज होता, सिर्फ स्लोप चेंज होता, बजलैंड का तो स्टीपर फ्लैटर होता। लेकिन क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है, जिससे मेरी इनकम चेंज हो रही है, रिसोर्स चेंज हो रही है, तो बजलैंड शिफ्ट भी करेगी, स्लोप भी चेंज करेगी, वो अपना शिफ्टिंग भी करेगी। भाई ये 10/20 हो रहा है और स्लोप हाफ का 1/3 हो रहा है, तो 10/20 का भी शिफ्टिंग होगी और स्लोप। अच्छा स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप हमेशा यहाँ के बेसिस पे निकलता है। तो ये सब चीजें कॉन्स्टेंट है, W1 P2 और W1 W1 कॉन्स्टेंट है, तो ये तो बेसिकली डेविएशन में भी हो जाएगा, स्लोप निकलेगा खर्चे की साइड जी, तो उसी की इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। गॉट इट, ठीक है। चलो अब एक एक करके हमने पहले प्राइसेस की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हलवा बात है न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल तक पहुंचने के लिए आपको बस नॉलेज देना मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कि न्यूमेरिकल तक पहुंचे कैसे हम लोग, एक वो सिचुएशन जहां से मुझे चीजें आती है, ठीक है, तो वो समझना जरा। साढ़े छह तक चलेगी, ठीक है, उसके बाद साढ़े छह से थोड़ा सा और, ठीक है। तुम्हारा एमएससी हुआ था, कौन सा एंट्रेंस हुआ था, एमएससी हुआ था, ओके मास्टर, बढ़िया, ठीक है। चलो मैं आता हूँ, ये मेरे ख्याल से कौन सा बैच है, 2017 का बच्चा बैठा हुआ, आईईएस करना है उसको, वो डिस्कशन के लिए, ठीक है, बड़ा आगे बात करता हूँ। चलिए गाइस जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो प्राइस गुड एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और ये मेरी थी ओल्ड बजट लाइन, ऐसा समझना गाइस, ये मेरी P1X प्लस का P2Y इज लेस देन इक्वल्स टू P1WX प्लस का P2WY, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ बेसिकली इस तरीके से है। तो मैंने बोला पीएक्स बढ़ रहा है, तो अगर ये मान लो ये ओल्ड है, मैं न्यू की बात करता हूं, न्यू बजट इक्वेशन वो हो गई P1-WX, ये कुछ ऐसा है ना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला प्राइस बढ़ रहा है, तो ये देखो इसका स्लोप था P1/P2, ठीक है, ये वाला स्लोप आ गया, और ये मान लो ये एंडोमेंट थी, ठीक है, या मैं इसको रफ कर देता हूं, वापिस में आ गई, ठीक है यहां तक। अब मैंने बोला इसका स्लोप ये था, अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, P1-P2, अच्छा ये वाला स्लोप इससे ज्यादा होगा तो बजरंग स्टीप होगी, जैसे ये है ना स्टीप, जैसे ये थी स्टीप हो गई, ऐसी दोबारा ऐसा समझना, बजरंग स्टीप ऐसे का ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक तो चीज ये हो गई, दूसरी बात मेरी ये हो गई कि मेरी इधर की साइड से अगर आप देखोगे इनकम बढ़ गई, जब इनकम बढ़ती है तो बजरंग कहां शिफ्ट होती है, इनवर्ड आउटवर्ड, एक तो बाहर शिफ्ट होगी और प्लस ये स्टीपर होगी, ठीक है, मतलब बाहर शिफ्ट होगी स्टीपर होगी। तो ध्यान रखना जो मेरी बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये दिस माय न्यू बजट लाइन, ये, ठीक है। देखो बाहर किस तरीके से देखना है, गुड वाई में तो कुछ चेंज नहीं आया था, गुड वाई का प्राइस बट जब भी ऊपर चला गया ना वो, इसलिए गुड एक्स का जो प्राइस बढ़ा था इसलिए उसकी डिमांड कम हुई है, लेकिन हमारा इनकम बढ़ी है तो इसलिए वो भी बढ़ गया, ठीक है ऐसा। हाँ अगर आप कहते हो कि सर दूसरा केस बताओ, अगर ये वाला होता है जहां पे एंडोमेंट नहीं होती फिर क्या होता है, वाई से स्टीपर होती, मतलब वाई से स्टीपर हो जाती। अगर अगर ये सलस्की वाला होता ना, सलस्की वाला होता फिर ये वाई से स्टीपर होती, मतलब वाई मतलब ये वाला पॉइंट होता एंडिंग पॉइंट, जो अभी वाला पॉइंट है ना फिर ना ये वाला पॉइंट होता, ठीक है। आपको मैंने बताया है वो स्टीपर फ्लैटर वाला पूरा कंसेप्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप
जो प्रैक्टिकली ऐसे सोचना, मैं ये ब्लैक पेन जरा देखो समझना चाहिए, तो इसको ना मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ एक तो बात ये, दूसरी चीज मैं है क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही डायग्राम बना के आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। गुड एक्स के प्राइस का बढ़ना कम होना, गुड वाई के प्राइस का बढ़ना कम होना, वो एक ही बात में कवर हो जाएगी क्योंकि इम्पैक्ट तो एक ही पड़ने वाला है। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं मुझे डायग्राम बनने की जरूरत है। ठीक है, आपने तो इस सेमेस्टर में सीखा होगा ये, है ना, लेकिन वो बेसिक रखते थे हॉलर वेरिएंट को और वो लाइन टू लाइन उसी पे ही बाउंड रहते थे वो लोग, है ना। नहीं मैं एक बुक से बात नहीं कर रहा ना, मैं पता नहीं क्या कहाँ कहाँ थे वो, एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई करिए, रीडिंग हैबिट है तो बस वो आत्मा आ जाती है सारी नॉलेज लेकर, है ना, ऐसे ही होता है। चलो अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बड़ा, ओल्ड वाला देखो बनाने की जरूरत है, मुझे शेयर करने की जरूरत है। ये जो मेरी बजट है ना ओल्ड वाली, ये वाली, ये वाली, ये बजट लाइन मेरी फर्स्ट वाली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस बजट लाइन करूं तो मेरे पास ये वाला एरिया है जो मेरे लिए फीजिबल एरिया, ये मैंने रेड से शेयर किया, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा एरिया फ्रेंड, फीजिबल एरिया। फीजिबल का मतलब होता है कि भैया ऐसा था कि मेरे पास ये ऑप्शन था, इस पूरे ऑप्शन में मैं रह सकता था, लेकिन ड्यू टू LNS लोकल नॉन सिचुएशन में कहां पे हूं मैडम जी, अपने बाउंड्री पॉइंट पर, ठीक है, अपने बाउंड्री पॉइंट पर हूं। मेरा जो आईसी आएगा वो कहां आएगा, बाउंड्री को टच करेगा, एम राइट हियर, ठीक है। अच्छा मैं आईसी को बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये समझना है आपको। उसके बाद में ये बात हो गई, गुड एक्सरसाइज बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ये एंडोमेंट थी, ठीक है, ये वाली बजट लाइन है। अब मुझे एक बात बताना, दिस इज माय न्यू बजट लाइन, जहां पहले मेरी ओल्ड बजट लाइन थी तो मैंने आपको आईसी के तीन ऑप्शन दिए थे, या तो यहाँ पे आएगा एसी, या यहाँ पे आएगा एसी, या इस पॉइंट पे आएगा एसी आईसी, ठीक है। अब अगेन तीन ऑप्शन दूंगा मैं आप लोगों को।